टू बैटरीज ऑफ ई में 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस, जो ये रेजिस्टेंस है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सर्किट विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, 9 ओम से ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको कैपिटल R देते हैं, ठीक है। एज शोन इन द फिगर द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, इस पी और क्यू के बीच में हमें आई निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे ये करंट फ्लो करेगा ऐसे, ये ऐसे, तो डोमिनेंसी आएगी, तो मैं नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, दैट इज 4 वोल्ट, एज इजी एज सिंपल। अब इस ग्राफ टोटल देखिए नेट कितना है, 4 है, तो करंट निकालने के लिए क्या होता है, आई इजिकल टू वी बाय आर, और आर की बात करूंगा तो आर मुझे कैसा चाहिए, आर नेट, और मैं देख रहा हूं 1, 2 और 9 टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 9 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, 9, 10, 11, 12 ओम, ठीक है। और इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे तो आई निकल जाएगा, आई हो जाएगा आपका, वी आया मेरे पास 4, ये आया आपके पास 12, तो ये आ जाएगा 1/3 एम्पियर, तो करंट तो आ गया मेरे पास 1/3 एम्पियर, यहां से यहां तक जो करंट इधर जाएगा वो इधर जाएगा, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, तो पी एंड क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, सिंपल इजी अप्रोच रहेगी, तो हम लिख देंगे वी इजगल टू आई आर, वी इजगल टू आई आर, तो मैं जानता हूं वी इजगल टू क्या होता है, आई इंटू आर, ठीक है। तो वी इजगल टू, देखो ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो है ना 2 ओम, ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, ये तो सेल के हैं, इसका तो 9 है ना, तो आई आया मेरे पास 1/3, और ये आया रेजिस्टेंस है आर, ये वाला, ठीक है। तो 3 से 3 टाइम्स, तो पोटेंशियल आ जाएगा 3 वोल्ट, तो एक आंसर हो गया 1/3 और एक आंसर हो गया 3 वोल्ट, 1/3 एंड 3 वोल्ट मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ भी 1/3 एंड 12 वोल्ट गलत है,